वेलकम टू दिक्कत सेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट हमारा आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजीज़ फॉर मेंटेनेंस हम लोग स्पेसिफिकली जो बात करेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ की करेंगे जो किसी आइटम की किसी एक टाइम पे स्टेट को असेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं यानी बेसिकली सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है तो आर आर टॉपिक स्पेसिफिक टू दैट आस्पेक्ट टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू रीच प्रैक्टिकल गोल्स अब इस चीज़ का मतलब क्या है इसको आप तब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आप इसको कंपेयर करें साइंस और इंजीनियरिंग के साथ जो हमने अर्लियर भी एक सेशन में बात की थी जो कि हम विल सोन डू इट टेक्नोलॉजी जो है वो uh, हम आम जुबान में uh, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कहते हैं जो मुख्तलिफ अपनी लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हम कहते हैं एक टेक्नोलॉजी आई है जिससे घर में पोल्यूशन के लेवल्स कम होते हैं तो बेसिकली प्रैक्टिकल कोई एस्पेक्ट जो होता है उसको हम टेक्नोलॉजी का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं और ये एवॉल्व होती रहती है साइंटिफिक uh, नॉलेज के साथ साथ जैसे जिस वक्त फॉर्मल साइंस नहीं होती थी उस वक्त हैंडक्राफ्ट या लोगों की जो स्किल्स होती थी जो नसल दर नसल मुंतकिल होती थी वो टेक्नोलॉजी uh, का लेवल था और अभी जब हमारे पास साइंटिफिक uh, नॉलेज है और uh, हमारे पास कंप्यूटेशन के बहुत बड़े सिस्टम्स हैं बहुत स्ट्रॉग सिस्टम्स हैं तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्नोलॉजी uh, को या जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उनको uh, ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा इफेक्टिवनेस की तरफ लेके जाते हैं और वो चीज़ें हैं स्पेसिफाइबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी जब भी आप कोई uh, एक सर्टेन पीस बनाते हैं फॉर एग्जांपल जिसने किसी कंपोनेंट पर लगना है तो अगर आप उसको एग्जैक्टली exactly मेजर कर सकते हैं यानी स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स तो वो अगर वहाँ पे सही काम नहीं करेगा तो आप उन स्पेसिफिकेशंस को चेंज कर लेंगे इसी तरह फॉर एग्जांपल वो किस टम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है तो आप उसके बिहेवियर को भी अगर मेजर कर सकें और टम्परेचर को भी मेजर कर सकें तो आप उस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं मे बी मटीरियल चेंज करने से मे बी साइज़ चेंज करने से इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी को रिप्रोड्यूस कर सकें यानी जो एक काम हुआ एक्जैक्टली exactly उसी तरह अगली बार भी कर सकें तो फिर उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टनेस आ जाती है क्योंकि आप उसकी ज़्यादा इंसडेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं या प्रोडक्शन की बात करें तो आप ज़्यादा पीसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं अब कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी को साइंस और इंजीनियरिंग से साइंस बेसिकली इट्स विद साइंस नॉट ऑलवेज बट बेसिकली नॉलेज जो है नेचर की उसको एक्सट्रैक्ट करके और एक्सप्लेन करना ये साइंस का काम है यानी फॉर एग्जांपल आपको सूरज चाँद और बाकी सेलेशल बॉडीज़ उनका जो ज़मीन से ग्रेविटी का ताल्लुक है एक दूसरे की तरफ जो खींचते हैं एक दूसरे को उससे समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है अब ये नेचर के बारे में नॉलेज है अब इसको एक्सप्लेन करना यानी जब चाँद इस एंगल पे होता है और इस डिस्टेंस पे होता है तो पानी इतना ऊपर जाता है ये एक्सप्लेनेशन है एक नेचुरल फिलोमना की इंजीनियर को जब ये चीज़ पता लगती है तो वो फिर क्या करता है कि जब अपनी शिप्स बिल्ड करता है या अपनी ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करता है तो वो इस चीज़ को जहन में रखता है कि पानी कितना ऊपर आ सकता है ये इंजीनियर का एक्ट जो है वो इंजीनियरिंग है और वो अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाता है तो उस कंपोनेंट को हम टेक्नोलॉजी कहेंगे या कोई प्रोसेस बनाता है सिक्स स्टेप प्रोसेस का पहले ये करें फिर ये करें इस चीज़ को हार्नेस करने के लिए तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं तो साइंस बेसिकली नेचर की नॉलेज देती है हमें इंजीनियरिंग जो है सैंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ बनाती है और टेक्नोलॉजी जो है वो वो प्रोसेस या प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी किसी प्रैक्टिकल नीड को कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्जैक्टली exactly ये कहना कि हमेशा साइंस पहले पहले आएगी प्रॉब्ली ठीक नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी uh, जो है वो साइंस को री भी करती है इसी तरह इंजीनियरिंग जो है वो भी साइंस को री करती है लेकिन इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप ये है कि इंजीनियरिंग बिल्ड्स ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी अच्छा जी अब एक, एक जिस तरह हमने पहले देखा था कि अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ फेजेज होते हैं जिस जिसमें हमने बात की थी कि प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो पहले इनोवेटर्स उसको लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके फॉलोअर्स और फिर मेजोरिटी उस प्रोडक्ट को ख़रीदती है और आखिर में लैगा ख़रीदते हैं इसी तरह एक टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल भी होती है टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल बेसिकली आप इसकी शेप देखें इस ग्राफ की तो ये उसी तरह है जो हमने मोरलेस उसी तरह है जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की देखी थी लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक आर डी का सेक्शन भी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आर डी में यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पे बिजनेस गेंस हैं यानी प्रॉफिट कितना कमाते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो आर एन डी में आप कबा कुछ भी नहीं रहे नहीं रहे होते इसीलिए इसको आर एन डी को हम लोग ब्लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें आपके रिसोर्स ब्लीड हो रहे होते हैं फिर जब आप आर एन डी मुकम्मल कर लेते हैं और वो टाइम आता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं तो फिर लीडिंग एज शुरू होता है लीडिंग एज में सबसे पहला जो एक फेज़ आता है उसको हम एसेंट कहते हैं यानी Uh, आपके बिज़नेस बढ़ते हैं एकदम से यूजुअली ये लॉग्रैथमिक चेंज होती है फिनल चेंज होती है ये ऐसी uh, 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 चेंज नहीं होती कि जो ग्रेजुअल uh, हो फिर उसके बाद मेच्योरिटी का टाइम आता है टेक्नोलॉजी की और फिर उसके बाद डिक्लाइन का टाइम आता है अब डिक्लाइन के वक्त नॉर्मली क्या होता है कि यही टेक्नोलॉजी प्रॉब्ली आपकी इंडस्ट्री में डिक्लाइन कर चुकी है लेकिन शायद किसी और इंडस्ट्री के काम आ सकती है तो फिर लाइसेंसिंग होती है और वो टेक्नोलॉजी किसी और इंडस्ट्री को या किसी और को शिफ्ट हो जाती है और वो कुछ अरसा और उसकी लाइफ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है ये नल्फ एक स्पेशलिटी एक, एक है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए होती है कि वो किसी चीज़ को अगर खरीदते हैं किसी टेक्नोलॉजी को ख़रीदते हैं तो किस वक्त ख़रीदें उसको एसेंट के टाइम पे ख़रीदें उसको मच्योरिटी के दौरान खरीदें या डिक्लाइन जैसे ही हमने लाइसेंसिंग की बात की तो आप डिक्लाइन पे ख़रीद रहे हैं टेक्नोलॉजी को ऐसा भी हो सकता है कि आप ख़ुद आर एन डी करें और टेक्नोलॉजी को ख़ुद डेवलप करें उसमें फिर ऑबियसली आपके बहुत सारे रिसोर्स लगेंगे और आर एन डी ऑबियसली आर एंड डी में श्योरटी नहीं होती है कि आपको uh, कोई आउटपुट मिलेगी इसी तरह हो सकता है कि आप एसेंट के टाइम ख़रीदना चाहें क्योंकि अभी बहुत सारे खरीदने के लिए शायद आपके ओपोनेंट्स ना हों कम्पटिटर्स ना हों या हो सकता है आप मचोरिटी में लेना चाहें और आ, न, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि उसको वहाँ पे आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते और सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना चाहते हैं जो प्रूवन हो तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जिस सिस्टम में आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है कि आप टेक्नोलॉजी को उसके लाइफ साइकिल के किस फेज़ में लेंगे और इस डिसीजन को हम टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं कि हम पहले फ़ैसला करें कि किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करेंगे या खरीदेंगे और अगर खुद डेवलप करेंगे तो वी शुड बी रेडी फॉर द रिस्क वी शुड बी रेडी टू फेस द फैक्ट के इट मे एक्चुअली नेवर गिव अस एनी आउटपुट और अगर आउटपुट देगी तो वो वहाँ पर हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी ब्लीड हो चुके होंगे या हम फैसला करेंगे कि हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी खरीदेंगे फिर उसके अंदर हमने देखना होता है कि हम उसको कौन से फेज़ में खरीदेंगे अब जो आ, किसी भी आइटम की स्टेट को आप असेस करते हैं ना उसको आप दो तरीक़ों से असेस कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली देखना देख सकते हैं कि डिग्रेडेशन कितनी हुई है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी के टायर्स को आ, आँखों से भी फिजिक देख सकते हैं बगैर कोई गेज इस्तेमाल किए या गेजेस डेप्थ गेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ट्रीट्स कितनी मोटी हैं अब ये डायरेक्ट मेजरमेंट है आपको एक्जैक्टली पता चल जाता है कि जो डिग्रेडेशन है उसका लेवल क्या है या आप किसी बॉयलर के पाइप को काट सकते हैं काट के देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी पिटिंग हुई है ये भी डायरेक्ट मेथड है आपको नजर आ जाएगा लेकिन इसमें और पहले वाले में फ़र्क ये है कि अब आप उस बॉयलर की ट्यूब को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे वहाँ तो पर आपको आप नई ट्यूब लगानी पड़ेगी या ये हो सकता है एक एक केस ऐसा कि के आप एक गैस्टर है उसके कंप्रेसर की बेयरिंग की वेर एंड टर देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि पहले उसकी केस केसिंग हटाएंगे फिर रोटर ब्लेड्स हटाएंगे और फिर गैस्टरबाइन के कंप्रेसर को आ, हटा के उसके अंदर से बेरिंग निकालेंगे और फिज़िकली देखेंगे कि वो कितना ख़राब हुआ है तो ये एक एक जगह पे आपने खाली देख लिया इंस्ट्रूमेंट यूज करके पता चल गया दूसरी जगह पे आपको काटना पड़ा और आप दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे नई चीज़ डालनी पड़ेगी और तीसरी जगह पर आपको उस सारी चीज़ को डिससम्बल करना पड़ा तो डायरेक्ट मेथड भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट हो उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप उस दौरान उस कंपोनेंट को जाया कर दें और वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड होता है इसमें आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि डायरेक्टली उस चीज़ को मेजर करें जिसकी डिग्रेडेशन आपने देखनी है आप कोई प्रॉक्सी मेजर करते हैं यानी कोई और वेरिएबल मेजर करते हैं जो रिलेटेड होता है उस चीज़ को जो आप मेजर करना चाहते हैं जैसे आप अपनी बॉडी बाड़, का टम्परेचर अगर देखना चाहें तो आप अपनी ज़ुबान के नीचे भी थर्मोमीटर रख के देख सकते हैं और आप अपने बाजू के नीचे भी थर्मोमीटर रख के देख सकते हैं और दोनों से आप असेस करते हैं कि आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है एक्चुअली आप इंटरनल टेम्परेचर नहीं देख रहे होते बल्कि दो बॉडी पार्ट्स को से टेम्परेचर लेके तो असेस करते हैं कि आपकी बॉडी का टम्परेचर क्या है इसी तरह हमने और टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की थी पहले क्लासेस में कि आप कैसे किसी प्रॉक्सी किसी और चीज़ को मेजर करके किसी और चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं जैसे आप खाना बनाते हुए ये फ़र्ज़ करें आप बिस्किट्स कुकीज़ बना रहे हैं तो आपको उसका इंटरनल टेम्परेचर नहीं पता होता लेकिन सर आप सिर्फ ये देख के कि वो ब्राउन हुआ है कि नहीं आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो सही पक गया है कि नहीं इसी तरह फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है अंदर से वो ख़राब है कि नहीं आप प्रॉबली डायरेक्टली नहीं देख सकते लेकिन अगर उसके अंदर से आवाज़ ज़्यादा आनी शुरू हो गई है तो ये एक प्रॉक्सी मेजर है और उससे आपको पता चल जाएगा वो अंदर से ख़राब हो रहा है तो इट कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसका प्रोसेस ये होता है कि एक आइटम स्टेट है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते तो फिर आप कोई वेरिएबल डिसाइड करते हैं प्रॉक्सी वेरिएबल जिसको मेजर करने से आप आइटम की स्टेट को एस्टिमेट कर सकेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वाइब्रेशन की या साउंड की बात की तो उसको फिर मेजर करने के लिए प्रॉक्सी को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस सेलेक्ट करेंगे आप उससे उस प्रॉक्सी उस को मेजर करने की कोशिश करेंगे वो आपको कोई आउटपुट देगी उस आउटपुट को आप डेटा उसका कलेक्ट करेंगे स्टोर करेंगे और एनालाइज करेंगे और अपने एनालिसिस के बेसिस पे आप फिर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि आइटम का स्टेट क्या है अब ये जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड है इसकी अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये वही गैस टर्बाइन की बेरिंग की बात हो रही है जो आइटम है वो आपका बेरिंग है टर्बाइन का और आप जो वेयर जो डेग्रेडेशन जो देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं कि बेरिंग वेयर हुई है कि नहीं वेयर एंड कि नहीं जो जो बेरिंग ख़राब होती जाती है तो टरबाइन में वाइब्रेशन भी बढ़ती है बेरिंग का टेंपरेचर भी बढ़ता है जो आवाज़ निकलती है उस बेरिंग से वो भी बढ़ती है और इसी तरह जो ऑयल उस बेरिंग को लुब्रिकेट कर रहा होता है उसके अंदर डेबरी भी आना शुरू हो जाती है तो अब ये चारों चीज़ें जो हैं ये इन इट आप ड इनको अगर आप मेजर करेंगे आप डायरेक्टली बेयरिंग के वेयर को मेजर नहीं कर रहे एक प्रॉक्सी के थ्रू लेकिन आपको पता चल जाता है कि बेरिंग कितना वेयर हुआ है तो ये जो हमने चार चीज़ें देखी वाइब्रेशन नॉइज टम्परेचर और डेवरी ये चारों इस्तेमाल की जा सकती हैं ये समझने के लिए कि बेयरिंग में कितनी डिग्रेडेशन हुई है लेकिन इन सबको इस्तेमाल करने के लिए आपको मुख्तु सेंसर चाहिए होंगे जैसे वाइब्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सेलोमीटर्स चाहिए होंगे नॉइज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको भी एक्टिक इक्विपमेंट चाहिए होगा टेम्परेचर्स के लिए कहीं थर्मोकपल्स लगाने पड़ेंगे डेबरी के लिए आपको उस और लोबाइल का केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं किसी भी आइटम की स्टेट को असेस करने के लिए ये वक्त के साथ साथ एवाल्व हो रही हैं मॉडर्नाइज हो रही हैं जैसे कंडीशन मेजरमेंट प्रॉब्ली पहले किसी हैंड हेल्ड टूल्स टूल से होती होगी आ, आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग वाइब्रेशंस किसी जनरेटर के पैड्स को वाइब्रेशन समझ देखना चाहते थे तो हम लोग एक बड़ा सा जब हम लोग यंग इंजीनियर्स थे तो एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर पकड़ते थे और उसके पैड्स के ऊपर लगाते थे और फिज़िकली अपने हाथ के अंदर वाइब्रेशन से अंदाज़ा लगाते थे कि वो जनरेटर Uh, के अंदर बेयरिंग कितनी वाइब्रेशन कर रही है फिर उसके बाद और चीज़ें आई डेटा कलेक्टर्स ऑनलाइन डिटेक्शन आ गई मल्टी पैरामीटर डेटाज़ और रिमोट मॉनिटरिंग आ गई इसी तरह ट्रांसमिशन में अगर देखें तो पहले लोग हाथ से लॉग्स लिखते थे फिर डेटा लॉगर्स आए जो जो बेसिक कंप्यूटर्स पे होते थे फिर कंप्यूटर्स वायर्ड कंप्यूटर्स आए जो कि अपनी हार्ड डिस्क पे स्टोर करते थे फिर वायरलेस सिस्टम्स आ गए ब्लूटूथ वगैरह जो डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं डेटा एनालिसिस जो है पहले पी एल सीज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से होता था फिर सर्किट्स आए फिर माइक्रो प्रोसेस आए और अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए ई आर पी सिस्टम से इनपुट ले रहे होते हैं डैशबोर्ड्स के ऊपर आपका सारा का सारा डेटा आ रहा होता है और इनफैक्ट ये भी होता है कि उसके ऊपर एक्शन भी समटाइम्स सिस्टम ख़ुद ही कर लेता है जो भी आ, सिस्टम को बंद करने का एक्शन या किसी एक साइट को आइसोलेट करने का एक्शन इसी तरह डेटा स्टोरेज किसी ज़माने में कॉपियों किताबों पे लिख के हैंड हेल्ड रिकॉर्ड्स होते थे फिर मैग्नेटिक कार्ड्स आए फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज शुरू हुई हार्ड ड्राइव्स पे अब क्लाउड्स पे स्टोर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और अब सेंसर्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर्स यानी डिटेक्ट करने के लिए इक्वमेंट पीछे हमने बात की फॉर एग्जाम्पल जो टर्बाइन में हमने चार चीज़ें डिटेक्ट करने की बात की थी वाइब्रेशंस और डेबरी तो उन इन सब को स, आ, आ, डिटेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई सेंसर्स चाहिए अब ये सेंसर्स क्या होते हैं बेसिकली ये वो डिवाइस होती हैं जिनको आप किसी भी कंपोनेंट की कंडीशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि या कोई अलार्म रेज हो और वो चीज़ बच जाए और मे बी वो, वो कोई ऐसा लेवल सेट किया हो आपने के फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज आपकी 40 टू 60 है तो आपने फिर अपने सेंसर के अंदर सेट किया होगा कि 60 के बाद आपने आ, सेंसर को आप प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि वो एक आवाज़ निकालना शुरू कर दे और 65 पे वो सिस्टम को बंद कर दे ताकि कि के 65 फाइव प्रॉब्लम ऐसा टेम्परेचर होगा जिससे आपका सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा सेंसर्स को जब भी आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी स्पेशली मैकेनिकल इक्विपमेंट में लगाने के लिए वरना जनरली भी उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको देखना पड़ता है ताकि वो सेंसर एट द एंड ऑफ द डे मकसद ये होता है कि वो आपको सही रीडिंग दे किसी एक पैरामीटर की तो वो फैक्टर्स क्या हैं जिनको आप देखते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेगेडनेस रेगेडनेस का मतलब होता है कि अगर इस इस पे डिजाइन से ज़्यादा बोझ भी पड़ जाए तो ये उसको बर्दाश्त कर सके जैसे फॉर एग्जांपल आपने आ, कहीं पे एक लगाए हुए हैं या कहीं पे रोटेशन सेंस करने के लिए इक्विपमेंट लगाया हुआ है तो अगर अगर उस रोटेशन उस को आपने डिज़ाइन किया हुआ है सौ आर डिटेक्ट करने के लिए तो उसको इतना रेगेड होना चाहिए कि अगर वो मशीनरी मेल फंक्शन कर जाए और वो दो सौ तक भी चली जाए तो वो खुद ना टूटे वो सेंसर और मेजर करता रहे इसको रेगेडनेस कहते हैं फिर रिपीटेबिलिटी यानी हर दफ़ा वो आपको गिवन कंडीशंस में वही सिग्नल या वही आउटपुट दे जो एक्चुअल रीड कर रही है रोबस्टनेस के अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशनस जो हैं वो डिटेरेट हो जाती हैं तो वो एरर देना ना शुरू कर दे मेजरमेंट्स uh, के अंदर फिर ओबियसली रिलाईबलिटी uh, के ओवर टाइम इसकी डिग्रेडेशन ना हो इसकी अपनी परफॉर्मेंस में वरना हो uh, एक uh, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको रीडिंग्स ठीक नहीं देगा और एक वक्त आएगा कि वो रीडिंग्स काफ़ी आउट हो जाएंगी और उसकी बेसिस पे आप से डिसजन नहीं कर सकेंगे और फाइनली रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन का मतलब कि वो कितनी छोटी से छोटी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है अभी जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं हमारी आ, ये डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं तो पहले देखते हैं टेस्टिंग होती क्या है टेस्टिंग आप इसलिए करते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें या डायग्नोज़ कर लें ये देखने के लिए कि आप जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ जो उसको रिपेयर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्शंस लिए हैं आपने वो इफेक्टिव थे या नहीं थे फॉर एग्जांपल आपने वेल्डिंग की तो वेल्डिंग के बाद आप टेस्ट करना चाहेंगे कि वो जो दो मेटल के पीस जॉइन हुए हैं उन्होंने स्ट्रेंथ हासिल की है या नहीं की तो आपको आप कोई ना कोई टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहेंगे जैसा मैंने बताया कि ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है डिस्ट्रक्टिव का मतलब के आपका आइटम टेस्टिंग के दौरान डैमेज हो जाएगा और उसके बाद सर्विसबल नहीं रहेगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस टेस्ट एक चेन है अपने आप देखना ये चाहते हैं कि वो चेन डिज़ाइन तो 500 किलोग्राम का लोड लेने के लिए तो ले भी सकती है कि नहीं तो फिर आप उसके ऊपर लोड डालेंगे 500 किलोग्राम से ऊपर जाएंगे 600 सौ साढ़े छः सौ जब वो टूट जाएगी आपको पता चलेगा नहीं ये ले सकती है बिल्कुल लेकिन चेन तो टूट गई तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या मेटे मेटेलोग्राफिक टेस्ट जिसमें आप किसी मेटल को आ, काटते हैं मु, मुख्तलफ़ एंगल्स में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो जब आपने काट दिया तो इसका मतलब वो पीस फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है या नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती है जिसमें कोई डैमेज नहीं होता है उस पर्टिकुलर आइटम को फॉर एग्जांपल लीकेज टेस्ट आप उसके अंदर पानी डाल के देखें लीक हो रहा है कि नहीं तो आप कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं उसको इसी तरह अगर कोई लेज़र टेस्ट करना चाहें आप किसी मटेरियल का तो उसमें वो डैमेज नहीं होता है अब ये एन या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखी हुई है अकूस्टे कमिशन्स यानी अकूस्टे का मतलब होता है आवाज़ें तो जब कोई सरफेस uh, या कोई मटेरियल ख़राब होता है स्पेशली क्रैक्स की वजह से तो उसके अंदर से जो साउंड्स आती हैं वो साउंडस uh, बदल जाती हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम मुख्त uh, इक्पमेंट इस्तेमाल करते हैं कोस्टे का एक साउंड सेंसिंगमेंट उसको हमकूस्टे कमिशन टेस्टिंग कहते हैं इसी तरह एडी करण टेस्टिंग इसमें क्या होता है कि आप एक एक करंट जनरेटिंग प्रोब जो है उसको किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर से गुजारते हैं उससे आपको पता लगता है कि वहाँ पर उस प्रोब की वजह से एडी करंट्स जनरेट हो रहे हैं उन उनके पैटर्न्स को देख के आप बता सकते हैं कि इन लेयर्स में यानि उस वो जो जो भी मटेरियल था जिसके ऊपर से आपने गुजारी अपने प्रोब उसके उसके अंदर वॉइड्स तो नहीं यानी गैप्स तो नहीं आए हुए इसी तरह अल्ट्रासोनिक्स Uh, इनको भी आप uh, किसी भी सरफेस की कोटिंग को uh, उसके अंदर वॉइड्स चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी तरह रेडियोग्राफी अल्ट्रासोनिक और रेडियोग्राफी बहुत करीब करीब की चीज़ें हैं बस इनमें रेडियोग्राफी मोरलेस वही चीज़ है जो एक्सरेज करते हैं हम लोग मेडिसिन में मेडिकल में अल्ट्रासोनिक्स और रेडियोग्राफी में फ़र्क होता है कि रेडियोग्राफी जो है वो परपेंडिकुलर टू द सर्फिस देखती है और अल्ट्रासोनिक जो है वो पैरेलल टू द दे सरफेस देखती है और इसी तरह फिर एक कलर पेनिट्रेशन टेस्ट है सर क्रैक्स को देखने के लिए उसमें क्या होता है कि आप एक रंगीन पानी किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि वो पानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है कि नहीं कुछ सेटिंग्स uh, में आपको फिज़िकली नज़र आ जाता है दूसरी साइड से यानी देखते हैं कि आप पानी गुजर गया कि नहीं कुछ सेटिंग्स में आपको uh, उसके ऊपर रेडियोग्राफी करनी पड़ती है यानी उसके ऊपर पानी डाल के फिर उसके एक्सरेज करके देखना पड़ता है कि वो पानी अंदर गया था या नहीं गया था तो इस तरह मुख्तलफ तरीक़े हैं जिससे आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं ज़्यादातर टेस्टिंग इंडस्ट्री में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही होती है किसी भी रिपेयर के बाद अब टेक्नोलॉजी ये तो हमने देखी सेंसर्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी है वो जो है वो डेटा और डेटा मैनेजमेंट जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है और एकदम जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं तकरीबन 20-25 साल पुराना इंजीनियर हूँ तो इवन मे हम हमारे शुरू में जो टेक्नोलॉजीज़ थी डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ वो बिल्कुल ऑप्सलीट हो गई हैं तो हम लोगों ने खुद ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स देखे हैं जो एक कमरे में आते थे पूरे कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर आता था और अभी आप देखें कि कंप्यूटर आपके हाथ में पकड़ा हुआ आपकी जेब में पड़ा हुआ तो ये टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत तेज़ी से चेंज हो गई है डेटा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में फिर अब आजकल डैशबोर्ड्स का सिस्टम है क्योंकि जब भी हमने थोड़ी देर पहले बात की सेंसर्स की तो सेंसर्स बड़े सिस्टम्स में तो हज़ारों लगे होते हैं ना तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हर सेंसर के ऊपर एक बंदा बिठा दें और वो देखे कि वो क्या कर रहा है तो फिर आप अब ये होता है क्या है कि आपकी प्रोडक्शन लाइन में मुख्तलिफ जगहों पर डेटा इकट्ठा हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस फ्लो और वो डेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है और कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है क्लाउड पे अब वहीं पे जहाँ डेटा स्टोर हो रहा था वहाँ पर आपकी ई आर सिस्टम से भी इनपुट आ रही होती है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट की भी इनपुट आ रही होती है और आपकी मैनुफेक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम से भी इनपुट आ रही होती है फिर उस सारे के सारे डेटा को आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तफ़ एल्गोरिथम्स के बेस पे आप आ, उसको एनालाइज करते हैं वो प्रोडिक्टिव तो आपको बताते हैं कि आ, ये सो एंड सो बेरिंग जो है इतने परसेंट ख़राब हो गई और प्रोबली जो है वो अभी तीन महीने बाद ये ब्रेकडाउन हो जाएगी ये अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके डैशबोर्ड्स पे आपके कंप्यूटर पे आपके सामने नजर आ रही होती हैं जो चीज़ें जिनके ब्रेकडाउन होने का ख़तरा करीब होता है वो रेड कलर में हाई हो रही होती हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं और अगले छः महीने एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई गड़बड़ नहीं होगी वो ग्रीन हो रही होती है आपके सामने और आपने अलर्ट लेवल्स भी लगाए होते हैं कि जो किल्ड से ऊपर पे ऊपरेशन आ रही हो वहां पे आप अलार्म्स जनरेट करें अलार्म तरीके के हो सकते हैं जैसा कि सिंगल सेंसर में मैंने कहा कि हो सकता है वो शोर करना शुरू कर दे कोई कोई सायरन बजाना शुरू कर दे डैशबोर्ड्स में ये हो सकता है कि वो फौरन आपको एमरजेंसी की ई मेल भेज दे ये आपके सामने फ़्लैश करना शुरू कर दे किसी पर्टिकुलर चीज़ को तो ये टेक्नोलॉजीज़ भी काफ़ी चेंज हो गई हैं आ, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं आ, प्लांट्स एक पर्टिकुलर प्लांट या बल्कि एग्जैक्टली गैस टर्बाइन को देखते हैं कि कैसे उसमें टेक्नोलॉजी सेंसिंग की इस्तेमाल होती है जो आपके सामने तस्वीर है ये आ, बेसिकली बता रही है कि गैस ट्रबाइन में मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं और किस पार्ट पे कौन सा फेलियर मोड आता है पार्ट नंबर वन जो है ब्लेड है गैस्ट्रबाइन का ब्लेड जो है वो इसके अंदर चूँकि ये इन्वायरमेंट को भी एक्सपोज होता है और हाई विंड्स को भी एक्सपोज होता है तो और इसका अपने साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बोइंग सेवन फोर सेवन से भी बड़े होते हैं एक सिंगल ब्लेड जो है वो एक बड़े हवाई जहाज़ से भी बड़ा होता है बड़े गैस्ट्रोबाइन का तो उसके अंदर फटीक क्रैक्स आने के बहुत चांस होते हैं और उसकी सरफेस भी रफ़ होने के बहुत चांस होते हैं नंबर टू पे रोटर है रोटर जो है उसकी सरफेस रफनेस ऑब्वियसली हो सकती है और इसी तरह फटी क्रैक्स भी हो सकते हैं रिलेटिवली कम लेवल पे होंगे क्योंकि इसका अपना साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है नंबर थ्री पे शाफ्ट और बेरिंग है वो आप जो आपके ब्लेड्स जो रोटर को चला रहे हैं वो फिर एक शाफ्ट को चलाता है और शाफ्ट जो है वो बेरिंग्स के दरमियान में से गुजर रही होती है तो वहाँ पे वेयर हो सकती है रग, रगड़ के साथ या पिटिंग हो सकती है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लिक्विड से स्पॉट्स आ सकते हैं या वो डिफ़ॉम हो सकते हैं शाफ्ट चूँकि ये बड़े गैस्ट्रोबाइन होते हैं सॉरी विंटरबाइन होते हैं तो बड़ी बड़ी शाफ्ट होती हैं तो उन, चूँकि उनकी लेथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर डिफॉमेशन का ख़तरा होता है इसी तरह फटीक और क्रैक भी हो सकता है मेकेपमेंट है नंबर फोर पे जनरेटर है ये जनरेटर की स्टैंडर्ड्स जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पे हो सकती हैं नंबर फाइव गियर बॉक्स है अगेन बॉक्स स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है इसमें आपके बॉक्स के टूथ वेयर डाउन हो सकते हैं गेयरस जो हैं वो मिसअलाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ और एक सिंगल गेयर अपने आप से मिसअलाइन हो जाए तो यानी सेंट्रिसिटी उसकी गलत हो सकती है इसी तरह या सिस्टम इसी तरह टार जिसके ऊपर खड़ा होता है ये सारे का सारा अब इस वन ट्रबाइन की कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ जो चीज़ें आप मेथड्स आप यूज़ करते हैं ब्लेडस के लिए आप वाइब्रेशन एनालिसिस यूज़ कर स, करते हैं एगोस्टिकूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड रेडियोग्राफी थर्मोग्राफी यूज़ करते हैं इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं गेस्टरबाइन के उसके लिए मुख्तलिफ़ आप नॉन डिस्ट्रकटिव टेस्टिंग के तरीके यूज़ करते हैं जो यहाँ पे इस टेबल में आपके सामने लिखे हुए हैं और फाइनली फिर आप उन वो जो अपने तरीके इस्तेमाल करने हैं उस मॉनिटरिंग के लिए उसके लिए सेंसर्स लगाते हैं मुख्तफ जगह पे तो जनरेटर के ऊपर टम्परेचर सेंसर लगे होते हैं और ये जो जहाँ पे वाइब्रेशंस आपने चेक करनी वहाँ पे एक्सेलेरोमीटर्स लगे होते हैं जहाँ पे आप अपने स्पीड्स को लिमिट में रखना है जैसे यहाँ पे लो शाफ्ट स्पीड आरपीएम टेकोमीटर और हाई स्पीड शाफ्ट आरपीएम सेंसर तो अब अब ये गैसट्रोबाइन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर विंड स्पीड से ज़्यादा जब विंड हो तो गैसट्रोबाइन को बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसके ब्लेड्स मैंने आपको बताया उनका बहुत बड़ा साइज़ होता है तो उसको डैमेज होने का खतरा होता है तो उनके लिए फिर आपको टेकोवेटर्स चाहिए होते हैं आर पी सेंसर्स चाहिए होते हैं तो मुख्तलिफ सेंसर्स आप मुख्तल जगहों पर लगाते हैं ताकि आप इसकी मोनीटरिंग कर सकें अब यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे खाली छः सेंसर्स की बात हो रही है लेकिन इमेजिन के आ, ये गैस्टर सॉरी विंटर बाइनिक सिंगल तो नहीं लगा होता है विंड टर्बाइंस के जो फील्ड्स होते हैं उनमें सैकड़ों विंड टर्बाइंस लगे होते हैं अब हर में अगर आप हर एक में आपको छः छः सेंसर्स लगे हों और छः सौ सेंसर्स का डेटा आ रहा हो तो उसको आप मैनली मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है एक दो चार लोग मॉनिटर नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपको ज़रूर फिर डेटा अनालिटिक्स एक ईआरपी सिस्टम या एक डैशबोर्ड का सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पर यह सब डेटा आपके पास आ रहा हो ना सिर्फ़ आ रहा हो बल्कि एक प्रोडक्टिव एनालिसिस का सिस्टम भी हो जिससे पता लगे कि किसकी हेल्थ कैसी चल रही है और आपने अगर कोई डिसीजन करना है तो वेल इन टाइम वो आपको उसके लिए वार्निंग्स या अलर्ट्स जनरेट करे और आप उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करना चाहते है हैं वो करें दैट इज़ इट फॉर टुडे सेशन नेक्स्ट वीक हम लोग क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेशन में फर्दर uh, डिस्कशंस करेंगे इस पर थैंक यू